हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू क्राउन बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज़ रोहित स्पीकिंग और आज के इस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ किंगडम मोनरा। सबसे पहले इसके जनरल फीचर्स देख लेते हैं क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोट्स मीनिंग प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर है। जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं, इसके न्यूक्लियोइड और जीनोफोर और इंसिपिएंट न्यूक्लियस और प्रोक्रोमोसोम। न्यूक्लियोइड कुछ नहीं है बल्कि एक रीजन होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जिसके अंदर उसकी सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोजोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है जैसे कि राइबोसोम 70S, 70S राइबोसोम इज प्रेजेंट, कीप दिस इन योर माइंड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, दैट इज इट इज फॉर्मिंग अ सिंगल एनवेल्प सिस्टम। जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन एक रिजिड एनवेल्प होता है जो कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को सराउंड करता है, और सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। फिर आता है न्यूट्रिशन। मोनरन्स में न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है। हेटरोट्रॉफिक में फ्री लिविंग हो सकते हैं, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक। ऑटोट्रॉफिक में फोटोट्रॉप्स हो सकते हैं या कीमोटोट्रॉप्स हो सकते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होता है इनके अंदर, और बैक्टीरिया कॉस्मोपोलिटन है, मतलब कि वो अर्थ पर कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, कर्ड में भी प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के गट में भी प्रेजेंट होते हैं, सॉल्टी एरियाज़ में भी पाए जाते हैं, एंड इवन हॉट एसिडिक इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं। इतनी स्ट्रेस भरी कंडीशंस को भी टॉलरेट कर सकते हैं वो। स्ट्रक्चर इज सिंपल बट उनका बिहेवियर बहुत कम्प्लेक्स होता है। बैक्टीरिया मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं, और इनको डिकम्पोजर्स एंड मिनरलाइजर्स भी बोला जाता है। फिर आती है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। कौन थे जिन्होंने फोर बेसिक फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया दिए? द फर्स्ट वन इज कोकस, जो कि नॉन मोटाइल और स्फेरिकल है। नॉन मोटाइल दैट इज नॉट मूवेबल। फिर आता है बैसिलस, जो कि मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा बैसिलस पाया जाता है। फिर आता है स्पाइरल, दैट इज इलोंगेटेड एंड ट्विस्टेड। फिर फोर्थ आता है विब्रियो, दैट इज कोमा शेप्ड। कोकस के आगे फोर सब टाइप्स हैं, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस। और बैसिलस के भी आगे फोर सब टाइप्स हैं, मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस एंड पैलिसेड। जो बैक्टीरिया अभी हमने डिस्कस करे, हम उनकी पिक्चर्स देख सकते हैं, जैसे कि कोकाई में कोकस प्रेजेंट है, डिप्लोकोकाई प्रेजेंट है, स्टेफाइलोकोकाई प्रेजेंट है, स्ट्रेप्टोकोकाई प्रेजेंट है, सार्कीना प्रेजेंट है, टेट्राड प्रेजेंट है। बैसिली में कोकोबैसिलस, बैसिलस, डिप्लोबैसिली, पैलिसेड्स, स्ट्रेप्टोबैसिली। और अदर्स में हम देख सकते हैं विब्रियो, कोमा शेप्ड विब्रियो इज प्रेजेंट। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन। मोनरा को सबसे पहले टू फॉर्म्स में कैटेगराइज कर दिया गया, यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को फर्दर कैटेगराइज कर दिया गया हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को फर्दर कैटेगराइज कर दिया इंटू कीमो ऑटोट्रॉफ्स, जिसको हम बोलते हैं सल्फर बैक्टीरिया, और फोटोऑटोट्रॉफ, जिनको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ऑन द अदर हैंड, आर्के बैक्टीरिया को कैटेगराइज कर दिया गया इनटू हेलोफाइल्स, जिन जो कि सॉल्टी एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स, जो कि हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड मिथेनोजेंस, जो कि मार्शी एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्के बैक्टीरिया। दीज आर द ओल्डेस्ट और द एंशियंट बैक्टीरिया, और ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हेलोफाइल्स, जो कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रहते हैं। सेकंड वन इज मिथेनोजेंस, जो कि मार्शी एरियाज में रहते हैं। एंड द थर्ड वन इज थर्मो एसिडोफाइल्स, जो कि हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। ये इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में रह कैसे पाते हैं? क्योंकि इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, क्योंकि इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन की बनी होती है। इसी वजह से ये इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस को टॉलरेट कर पाते हैं। दूसरे बैक्टीरिया हैं वो है यू बैक्टीरिया, इनको क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है। तो इसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल आती है साइनोबैक्टीरिया की, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गे है, और ये अर्लीस्ट ऑक्सीजन फोटोसिंथेसाइजर्स हैं, और
इनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी बोला जाता है, अपना खाना खुद बना लेते हैं, और यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनियल और फिलामेंटस दोनों हो सकते हैं, मैरीन और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी पाए जा सकते हैं। ये जो कॉलोनीज है बैक्टीरिया की, वो जिलेटिनस शीट या म्यूसिलेजिनस शीट से सराउंडेड है। ये साइनोबैक्टीरिया ब्लूम्स बना देते हैं पोल्यूटेड वाटर बॉडीज के अंदर, और कई साइनोबैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं स्पेशल सेल्स में, और इन स्पेशल सेल्स को क्या कहा जाता है, हेटेरोसिस। साइनोबैक्टीरिया लार्ज होते हैं और इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। साइनोबैक्टीरिया के अंडर एग्जांपल्स आती है नोस्टोक एनाबिना की। इन दोनों का फंक्शन क्या है, दोनों एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल है स्पाइरुलिना, जो कि एक प्रोटीन रिच फूड। फिर आता है सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियम में हम देख सकते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन प्रेजेंट है, पिल्ला इज ऑल्सो विजिबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज विजिबल, साइटोप्लाज्म इज विजिबल, राइबोसोम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, 70S। फ्लैजिलम इज ऑल्सो सीन, बेसल बॉडी इज ऑल्सो विजिबल, डीएनए इज कॉइल्ड इन टू न्यूक्लियोइड, सेल वॉल इज विजिबल, कैप्सूल इज विजिबल, एंड इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो विजिबल, दैट इज ऑल्सो नोन एज मीजोसोम्स। आर्किबैक्टीरिया के बाद फिर आता है बैक्टीरिया, दैट इज नोन एज ट्रू बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दैट मीन्स नेक्ड आई से नहीं देख सकते। यूनिसेलुलर है, एक सिंगल सेल के बने होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग शेप्स में होते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और किससे सराउंडेड होते हैं, कैप्सूल और स्लाइम लेयर से। और सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या है, जो कि प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल इंजरी। और जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक सिंगल सर्कुलर डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर अपीयर होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर फूड प्रेजेंट है, लिपिड और ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट है। मैनी बैक्टीरिया में हैव फ्लैजिला, सम में हैव पिलाई और फिम्ब्री दैट आर हेयर लाइक। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, अपना खाना खुद भी बना सकते हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन है बाय बाइनरी फिजन, मेनली बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, बट अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर वो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, और उनके अंदर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म भी प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में एक डीएनए का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर, डीएनए का ट्रांसफर होगा एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में, उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेशन। फिर आता है एक इम्पोर्टेंट नोट, माइकोप्लाज्मास स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोट्स हैं, उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो अपनी शेप इजीली चेंज कर लेते हैं, और वो ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।